एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर आए एक और न्यू के ऑपरेशन ट्यूटोरियल फॉर 2022, जो कि है YG एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। YG एंटरटेनमेंट लेकर आए हैं YG इंस्टाग्राम DM ऑडिशन #13। YG DM ऑडिशन हर महीने होता है, तो आप इस ऑडिशन के लिए हर महीने अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी YG इंस्टाग्राम DM ऑडिशन #13 के बारे में सभी डिटेल्स, जैसे कि उसका ऑडिशन का पीरियड, ऑडिशन की क्वालिफिकेशंस, ऑडिशन की कैटेगरी, कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप मेरे साथ फिल कीजिएगा, और कैसे आपको इसको अप्लाई करना होगा। YG इंस्टाग्राम DM ऑडिशन के लिए मैं सब कुछ बताऊंगी और क्या क्या चीज़ें आपको भेजनी होगी अटैचमेंट फाइल्स के नाम पर, जैसे कि आपके फोटोज, आपके वीडियोज, आपके ऑडियोज कैसे आपको भेजनी होगी और क्या क्या आपको करेक्शन उसमें करने होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, साथ ही रिजल्ट अनाउंसमेंट भी। तो इस वीडियो को फुल तक देखिएगा ताकि आप कोई भी गलती ना करें और इस ऑडिशन के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो मेरे चैनल पर नया आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे ऑडिशन बना रहता है, और साथ ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद कीजिए। ये ऑडिशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस की जरूरत है, तो ज्वाइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल JDU पर आपको के ऑडिशन के एडवाइसेस और टिप्स और के ऑडिशन के ट्यूटोरियल्स देती हूँ। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपको ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका के आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे, जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके, ताकि आप जल्द से अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से अप्लाई करना होता है, क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस इस पर भी। और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे, बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केप ऑडिशन का पास करने में और आपके केप आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। सबसे पहले हम चलते हैं YG एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर। चलिए सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सर्च में लिखिए YG ऑडिशन। जिसे YG ऑडिशन लिखेंगे तो आपके सामने ये सर्चेज ओपन हो जाएंगी, तो आपको क्लिक करना होगा इस YG ऑडिशन पर। जैसे आप इस YG ऑडिशन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने खुल चुका है YG एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट। यहाँ पे वो सभी अपडेट्स डालते हैं उनके आने वाले अपकमिंग केप ऑडिशन की, तो आप उन्हें यहाँ फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही मैं जो इंस्टाग्राम की जो लिंक है उनके ऑफिशियल अकाउंट की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके क्लिक करके डायरेक्ट उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ इस ऑडिशन से रिलेटेड। आप देखिए सबसे फर्स्ट पोस्ट जो लिखी हुई है यहाँ पे YG DM ऑडिशन #13 के बारे में दी हुई है, किसके जो ऑडिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको सभी डिटेल दूंगी इस ऑडिशन से रिलेटेड, क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको अप्लाई करने के लिए जरूरत होंगी। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑडिशन पीरियड ऑफ YG एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम DM ऑडिशन #13 के बारे में। तो देखिए इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है 1st अगस्त मंडे से लेकर ये चलने वाला है 26th अगस्त फ्राइडे 2022 तक। यानी कि इस ऑडिशन में अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 1st अगस्त से ही, और आज है 2nd अगस्त। तो देखिए आपको फटाफट इसके लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये DM ऑडिशन है, इसमें आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26th अगस्त। यानी कि आपकी जो लास्ट डेट है इंडियंस को जो है इसके लिए अप्लाई करना होगा 26th अगस्त को, फ्राइडे को रात के 8:30 बजने से पहले पहले इंडियंस को अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो टाइम जोन उन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, बट ऑफिशियली जो टाइम होता है वो होता है 11:59 KST, यानी कि रात की 12 बजने से पहले KST के अकॉर्डिंग। बट अगर इंडियंस की बात की जाए, इंडियन का टाइम जोन चेंज किया जाए, तो इंडियंस के लिए जो टाइम है वो है रात के 8:30 बजे से पहले आपको अप्लाई करना होगा 26 अगस्त को, फ्राइडे 2022 को।
अपनी कंट्री का टाइम जोन चेंज कर सकते हैं गूगल को यूज करके किसी भी वक्त अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन कैटेगरी ऑफ YG एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम DM ऑडिशन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो ऑडिशन की कैटेगरी उन्होंने रखी है वो है 3 कैटेगरी। फर्स्ट है वोकल, सेकंड है रैप और थर्ड है डांस। इन तीनों कैटेगरी में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, तो जिसमें भी आप बेस्ट हो उसे अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दिस YG एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम DM ऑडिशन नंबर 13 के लिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी ये कि अगर आपको इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपका एक इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लीजिएगा। उसके जैसे आप अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपको जाना होगा इनके इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर, YG एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर, और वहां जाकर आपको भेजना होगा उन्हें डायरेक्ट DM मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। आपको जो है इस ऑडिशन के लिए अप्लाई करना होगा डायरेक्ट मैसेज भेज के उनके इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर। सबसे पहले आपको क्या भेजना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जैसे हम मैसेज भेजते हैं किसी को वैसे आपको मैसेज भेजना है, बस उस मैसेज में हमें हमारी डिटेल्स भेजनी होगी। सबसे पहले आपको उस मैसेज में आपको सबसे पहले अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद आपको अपनी हाइट लिखनी है, और उसके बाद आपको अपना वेट लिखना है, और उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट ऑन DM, यानी कि आपको ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये चारों चीज़ें हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वेट, ये चार चीज़ें आपको उन्होंने लिखकर सेंड कर देनी है। ये सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वोकल, रैप और डांस इन तीनों कैटेगरी में से सिर्फ एक कैटेगरी में आपने जो अपने ऑडिशन की वीडियो बनाई है वो आपको उन्हें भेज देनी होगी उनको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू ही। जैसे आपने मैसेज भेजा है वैसे आपको वीडियो भेज देनी है, बट आपको याद रखना है कि आपकी जो वीडियो है वो 30 सेकंड के अंदर अंदर की होनी चाहिए, यानी कि आपकी वीडियो 30 सेकंड से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, पहले तो आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है, दूसरी बात जो है आपको आपके ऑडिशन की वीडियो भेजनी है जो कि 30 सेकंड से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर आप वोकल या रैप कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि जो आपने आपकी वीडियो बनाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपर बॉडी दिखनी चाहिए। अब बात आती है कि अपर बॉडी होता है, अपर बॉडी होती है हमारी सर से लेकर हमारी कमर तक, ये जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा अपर बॉडी का पोर्शन। बट अगर आपने अप्लाई किया है डांस कैटेगरी के लिए तो उस वीडियो में आपका सर से लेकर पैर तक पूरे नीचे तक आप दिखने चाहिए, ताकि आपके डांस, आपके डांस के मूव्स देख सके, आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख सके, सब कुछ क्लियरली। ऐसा नहीं हो कि आपके डांस में कर रहे हैं, डांस करते करते आप कभी आपका वीडियो में आपका सर नहीं दिख रहा है, कभी आपका हाथ नहीं दिख रहा है, कभी आपका पैर नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने वोकल या रैप कैटेगरी अप्लाई किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपका सर से लेकर कमर तक उस वीडियो में दिखना चाहिए, ताकि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन समझ सके और आपकी सिंगिंग को अच्छे से जज कर सके। और दूसरी चीज मैंने आपको बता दी डांस कैटेगरी के लिए, तो उन्हें अब ध्यान रखना है कि उनका सर से लेकर पूरा पैर तक उनका पूरा पोर्शन दिखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन क्वालिफिकेशंस फॉर YG एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम DM ऑडिशन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो उन्होंने क्वालिफिकेशन दी है वो ये कहा है कि एनीवन मेल बॉर्न बिटवीन 2003 to 2012, यानी कि आपको ये याद रखना है कि इसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, इस ऑडिशन में सिर्फ और सिर्फ बॉयज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी सिर्फ वही बॉयज जिनका जन्म हुआ हो 2003 से लेकर 2012 के बीच में, यानी कि जिनका बर्थ सन है 2003 या 2012, वो इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर उनका सन है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011, सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा वही मेल्स जिनका जन्म हुआ 2003 से 2011 के बीच में, और यहाँ पर नेशनलिटी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी कंट्री के हो आप इस ऑडिशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि इसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ हाउ टू सेंड इंस्टाग्राम DM टू अप्लाई फॉर YG एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम DM ऑडिशन नंबर 13 के बारे में। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको YG एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे मैसेज के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस मैसेज के बटन पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने यहाँ उनकी प्रोफाइल खुल चुकी है, और देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है मैसेज का ऑप्शन, या मैसेज हमें टाइप कर देना है। मैसेज आपको क्या क्या लिखना है मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको अपना नेम लिख देना है, नेम के साथ पूरा सरनेम लिखना है, अपने नाम की मिस्टेक मत कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग में। और दूसरी चीज आपको लिखनी है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको किस सिक्वेंस में लिखना है, पहले आपको अपनी डेट लिखनी है, फिर स्लैश लगा के आपको अपना मंथ लिखना है, और फिर स्लैश लगा के आपको अपना बर्थ ऑफ ईयर लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड चीज जो पूछी जाती है
वो है हाइट। आपको अपनी हाइट लिखनी है, बट याद रखिएगा आपकी हाइट आपको सेंटीमीटर में लिखना है। उसके बाद फोर्थ चीज़ है आपका वेट। आपका जो वेट है आपको किसमें लिखना होगा, वेट आपको किलोग्राम में लिखना होगा। ये चार चीज़ें आपको ना भेजनी है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मैसेज में भेजते हैं कि हमें हमारा हाइट और वेट नहीं पता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बाजार जा सकते हैं, मार्केट में आप जा सकते हैं, अपना हाइट और वेट चेक करवा सकते हैं, या फिर आप मेडिकल या किसी क्लिनिक में भी जाएंगे तो आप आकर बोल सकते हैं कि हमें हमारा हाइट और वेट चेक करना है, तो वहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। ये चारों चीज़ें लिखने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने सभी डिटेल सही दी है या नहीं दी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, उसके बाद आपको उसे सेंड कर देना है। तो मैंने तो ये डिटेल ऐसे कैसी भेज दी है क्योंकि मेरे यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है मुझे, तो आपको अपने यहाँ पर जो मैंने चीज़ें लिखी है उसकी जगह आपको अपना एक्चुअल डाटा लिखना है। उसके बाद देखिए हमने हमारी डिटेल्स भेज दी है। अब नेक्स्ट चीज़ का नंबर आता है, हमें हमारी ऑडिशन की वीडियो भेजनी है। ऑडिशन की वीडियो आप कहाँ से भेज सकते हैं, आपको ये जो इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस इमेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं से आपको भेजनी होगी आपकी ऑडिशन की वीडियो, जो आपने ऑडिशन की वीडियो बनाई है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि आपकी ऑडिशन की जो वीडियो है वो 30 सेकंड से कम की होनी चाहिए। सो आप ये बात को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑडिशन की वीडियो बनाइएगा। आप यहाँ से जो है सिलेक्ट करके अपनी ऑडिशन की वीडियो जहाँ आपने सेव करी है वहाँ से सिलेक्ट करना है और उसे मैसेज की तरह भेज देना है। जैसे आप मैसेज भेजते हैं वैसे आप उन्हें भेज दीजिएगा और बस इसी तरह से आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है YG एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम ऑडिशन नंबर 13 के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट फॉर YG एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम DM ऑडिशन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए इसका जो ऑडिशन का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है वो सिर्फ उन्हीं को किया जाएगा जिनने ऑडिशन पास कर लिया है। जिन्होंने फर्स्ट ऑडिशन पास कर लिया है उन्हें इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट किया जाएगा 4 वीक्स के अंदर अंदर, 4 वीक्स यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर। अब देखिए इस ऑडिशन की जो डेडलाइन है वो है 26th of August, यानी कि 26th of August से लेकर अगला आने वाला 26th of September, ठीक है। अगस्त के समय सितंबर ये आता है, तो इस महीने के अंदर अंदर 26 सितंबर तक आपको वेट करना है। अगर 26 सितंबर के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट नहीं किया जाता है तो आप समझ जाएगा कि आपने ऑडिशन पास नहीं किया है, बट अगर कांटेक्ट किया जाएगा तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि आपने ऑडिशन पास कर लिया है। होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस वेल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS, K-pop, K-portion ट्यूटोरियल्स, K-portion टिप्स, लाइफ ऑफ K-pop ट्रेनिंग एंड आइडल एंड क्वारंटाइन वीडियोस लाइक दिस। यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑफ K-portion ट्यूटोरियल्स एंड 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशंस प्लेलिस्ट एंड ट्राई आउट एज मेनी ऑडिशंस एज यू वांट। And those who have queries related to this video, you can ask me in my comment box. And if you liked what you see, then make sure to click the subscription button. It will help me to grow. Also encourage me to make more updates related to BTS, K-pop, K-portion tutorials, K-portion tips, and quarantine videos like this in the future. And also help me to complete 5,000 subscribers soon. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel, JTube. Bye-bye. Did anybody out there hear?